क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स सेफ हैं? ये समझने से पहले हमको जानना होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक है क्या। साल था 1995, जयपुर के एक सीए संजय अग्रवाल ने एक छोटी सी एनबीएफसी की शुरुआत करी। उनका काम था छोटे छोटे शहरों गांवों में जाकर लोगों को लोन देना, टैक्सी ट्रक जीप खरीदने के लिए, ताकि वो अपना रोजगार चला सके। बड़े बैंक इन लोगों को लोन देने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन सरप्राइजिंगली 2013 आते आते इनकी लोन बुक पहुंच गई 4,000 करोड़ रुपए तक विद वेरी मिनिमम डिफॉल्ट रेट। 2015 में आरबीआई स्मॉल फाइनेंस बैंक का कंसेप्ट लेकर आई और उन्होंने 10 एनबीएफसी को लाइसेंस दिए, इंक्लूडिंग संजय अग्रवाल की एयू फाइनेंशियर, जो बन गई एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एसएफबी वैसे तो बाकी कमर्शियल बैंक की तरह ही डिपॉजिट ले सकती है, लोन दे सकती है, अदर बैंकिंग एक्टिविटीज कर सकती है, लेकिन इनका मेन उद्देश्य है उस कम्युनिटी तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाना जो थोड़ी सी मार्जिनलाइज है, जैसे कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स, फार्मर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्सेट्रा। इनको अपनी 25% ब्रांचेस रूरल एरियाज में खोलनी पड़ती है। टोटल लोन बुक का 75% प्रायोरिटी सेक्टर में देना होता है, जिसमें भी 50% लोन 25 लाख से छोटे होते हैं। आज इंडिया में 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसमें से लेटेस्ट जो लाइसेंस मिला है उसमें शार्क टैंक इंडिया की एक शार्क भी इन्वॉल्व है। उनका नाम आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।